भगवान की जय। साहिब बंद आत्म ज्ञान मिला, जीवन जीने का संस्कार प्राप्त हुआ। ऐसे महान संत पूज्य श्री क्षमा देव जी के पावन चरणों का शीश लेकर हिंदुस्तान की श्रद्धा और करुणा से ओतप्रोत भूमि बिहार प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय ग्राम सनहा परो की पवित्र भूमि पर द्वितीय दिवस के सत्संग में हम आप प्रवेश करेंगे। मधुमंगल में संत समाज, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं, आयोजक परिवार के सभी सदस्यों को व्यास का भी धन्यवाद देती है। अनन्य भक्त श्री 107 वर्ष की उम्र को क्रॉस कर रहे हैं श्री कोकाय साहू जी। जिनसे कल मेरी भेंट हुई, अभी अपने पैरों से भी वह चल कर रही है। उन्होंने 4 पुत्रों को जन्म दिया, श्री शिया राम जी, श्री राजा राम जी, अनिल साहू जी, हीरा राज साहू जी। 4 बहुएं घर में आई, अलका देवी, चंदा देवी, मनीषा देवी, रीना देवी। शियाराम के सुपुत्र संत कुमार, शंभू कुमार, सूरज कुमार, रानी कुमारी, खुशबू कुमार, हीरालाल साहू के सुपुत्र हरि ओम तत्सत, जम्बूदीपी, भारत खंडे, आर्या, तुलसी कुमारी, राजा राम के सुपुत्र डॉक्टर सरोज और रविश कुमार। राजा राम भी बुद्धिमान है, आज उनसे भी शुभ बहुत बात हुई, कल रात में भी हुई। ये सब तबला वादक घूम रहे हैं इधर उधर, तबला ढूंढ रहे, तबला कहाँ गया मेरा। छोटे छोटे बच्चों के द्वारा गीत श्रवण करके मन बहुत आह्लादित हो रहा था, क्योंकि बच्चों की आवाज ना तो पुरुष जैसी होती है, ना स्त्रियों जैसी होती है, दोनों के बीच की होती है, इसलिए बहुत मीठी होती है। मैंने पिंड खजूर देने वाले से पूछा, ये कुछ दिन रुक सकता, खराब तो नहीं, जब तक पैकिंग नहीं खोलोगे, महीना दो महीना ठीक रहेगा। मैं संत जी को बताया मेरे गुरु के लिए रख देना। और लास्ट में हमारे परम भक्त श्री शिया राम साहू जी बहुत प्रेम से आज उन्होंने रचना किया मेरे ऊपर कि गुरुदेव जब अपने गुरुदेव की शरण में गए तो क्या भाव था। धर्म के लिए चाहे तलवार लटकती हो, डरना नहीं है, धर्म की राह पर चलना। वास्तव में जो उन्होंने दर्शाया, बड़ी दूर दूर से श्रोता आए हैं, मेघौना से, खगड़िया जिले से सैकड़ों श्रोता आए हैं। मैं चाहूंगा मेघौना वाले खड़े होकर एक मिनट में दर्शन देते, सभी मेघौना महिलाएं भी
और चुपके से ये भी कहकर गए हैं कि अगले साल थोड़ा हमारे लिए टाइम बचाना, मेघौना फिर ले चलूंगा, जरूर टाइम दूंगा। विराजो जयकरण जी बैठो। और मुजफ्फरपुर से भी सच्चिदानंद के साथ में बहुत से श्रोता आए, खड़े हो जाए सब। मुजफ्फरपुर जिला बहुत सुंदर, बहुत प्रेम है, आशीर्वाद है। कभी न कभी मुजफ्फरपुर भी आऊंगा, नहीं बुलाओगे तो भी आऊंगा। बैठो। बहुत लोग मुझे बुलाने से डरते भी हैं कि रुपया बहुत खर्च होगा, बाकी तो सब ठीक है। 20 लाख नहीं, 2-4-6 लाख में हो जाए। अगर बड़ा भंडारा रख लो तो 2-4 लाख और खर्च हो जाता है। यदि भंडारा ना रखो तो थोड़ा कम में हो जाता, प्रसाद बांट दो। या जो बाहर से लोग ठहरे हैं, रात रुकते हैं, उनके लिए भंडारा का प्रबंध किया गया है, क्योंकि मुख्य रूप से सत्संग की प्राथमिकता है। शादी में जाओ वहां भी खाने को मिलता है, रिश्तेदारी में जाओ खाने को मिलता है, होटल में जाओ खाने को मिलता है, घर में जाओ खाने को मिलता है, सड़क पर खड़े हो जाओ वहां ठेला पर चाट बिक रही खाने को मिलता है। खाने को तो सब जगह मिलता है, लेकिन खाना जिसलिए खाया है वो जिंदगी कैसे जीना चाहिए, ये जिंदगी जीने का ढंग सिखाने के लिए प्रोग्राम रखा गया। खाना तो मुझे लगता है, और जिंदगी में संयम नियम से रहना आ जाए, सदगुण सदाचार से अपनी जिंदगी को विभूषित करना आ जाए। और मैं कल सोचा था जब उन्होंने बताया कि आपको गिलास किसी भक्त ने चांदी का दिया तो कटोरा बचा हो मैं दूंगा, पहले से सोच लिया था। तो कल मैं जब बताया तो मैं सोच लिया अब इस कटोरा से ज्यादा कुछ नहीं खाऊंगा, लेकिन कटोरा भी है बहुत बड़ा है। इतने में ही दाल चावल सब्जी रोटी मिला के खा लिया, और एक कटोरा ही काफी है, बहुत अच्छा। ये राजा राम है, ये दूसरे नंबर का सेकंड नंबर, ये तीसरे नंबर का भाई अनिल कुमार शाह, चार बार। मैं चाहूंगी कि चाहूंगा, मैं तो लेडीज भाषा बोल दिया। मैं चाहूंगा कि उनकी धर्म पत्नी भी आए। चारों आ जाओ, देखना चाहिए, दर्शन इनका भी कर लेना चाहिए। अलका, ये बड़ी वाली है सियाराम की जोड़ी के, अलका पूरी साथ में रहती है। ये श्रीमती चंदा देवी राजा राम की पत्नी, राजा राम पास हो गया। अब ये है श्रीमती रीना देवी, ये हीरा लाल की धर्म पत्नी। अब ये है मनीषा देवी अनिल साहू की पत्नी, चारों इधर हाथ जोड़कर प्रणाम करो। संदेश साहेब की जय। थोड़ा की मम्मी का बना कर जाऊंगा, तैयार। अगले साल भी आऊं कि ना आऊं, ये बोलो। ये माला पहना कर पिताजी 107 साल की उम्र के हैं, श्री कोकाय साहू जी यहाँ आने में असमर्थ है, इसलिए यहीं से उनके अभिनंदन में तालियां बजाते हैं।
माता जी को एक माला पहना दी गई, जोरदार ताली बजाते हैं। ये है गिरजा देवी जिन्होंने चार पत्रों को जन्म दिया। सुखी करता बन के दुख हरता बन के चले आना जी चले आना। सुखी करता बन के दुख हरता बन के चले आना। कबीर बन के महावीर बन के चले चले आना। कबीर बन के महावीर बन के चले आना। जी चले आना चले आना। बोलिए सर्व भगवान की जय। तन धरे सुखिया काहु न देखा। 1100 की राशि संजू देवी सनाह पर्वत, 1100 की राशि मंजू देवी, 510 की राशि मुजफ्फरपुर सावित्री कुमारी, 5200 समस्तीपुर घोषणा नीलम देवी, 1100 की राशि बेगूसराय लोहिया नगर अरुण यादव, 210 रुपये की राशि खगड़िया कोमल चक्की। ये सब दानियों के लिए एक बार जोरदार ताली। साहेब आरती हो, आरती करी पुनिमा।
शत्रुदेव की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरुकृपा मोक्ष मूलं गुरुकृपा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोली सद्गुरुदेव की जय। अब समस्त भक्तगण अपने अपने स्थान पर उकड़ू बैठकर कुछ गुरुदेव जी को त्रैबार बंदगी करेंगे। समस्त भक्तगण व संतगण बंदौ सन्मुख पारखी शेष भेंट धरु हाथ वचन उचारो बंद। आज आपने ये ऑर्गेनाइज किया यहाँ पे इतना भव्य जो आयोजन था, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो हम लोग शुरू से ही चारों भाई का श्रद्धा प्रेम विश्वास का परिणाम है और हम लोग सदा करते आए हुए हैं और करते रहेंगे। ये हमारे प्रभु की कृपा, गुरुदेव का आशीर्वाद, हमारे ग्रामीण समाज का आशीर्वाद, जो कुछ भी समझिए ये तो हमारे प्रभु की असीम कृपा है। और मनुष्य जीवन में है क्या, इससे बड़ा कुछ तो है नहीं। धन दौलत सब तो सर्वनाश हो जाएगा, शरीर भी सर्वनाश हो जाएगा, ये कीर्ति यश ही तो शरीर को साथ में जाता है ना, यहाँ से वहाँ तक धर्म को इस साथ में लेके जाता है। चलिए इसी के साथ में धन्यवाद। कितने साल से करवा रहे हैं ये? ये तो मेरा यानी ऐसे तो छोटा मोटा प्रोग्राम मेरा होता ही रहा, अष्टाम रामायण सत्संग भंडारा होता ही रहा, लेकिन ये भव्य आयोजन जो है 2015 से करा रहे हैं। 2015 में हुई थी एक बार, एक बार ये दूसरी बार ये हो रही है। देवी चित्रलेखा जी आई थी, भागवत कथा की वाचिका है, जो 8 वर्ष की उम्र से वो भागवत कथा कहती थी, वो आई थी हमारे यहाँ 2015 में। उस समय इससे भी और भव्य स्वागत हुआ था, हमारे जनता समाज ने किया था उनका। और अभी भी जो है भीड़ काफ़ी है, हो सकता है कल इससे और दुगुना भीड़ लग जाए। तो ये दूसरा, हाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। और अभी ये मतलब दूसरी बार कथा है और मैं उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ रखता हूँ अगले साल इसी महीना फिर गुरुदेव आएंगे और फिर कथा होगा। धन्यवाद, इससे भव्य होगा, सुंदर होगा। धन्यवाद। मनुष्य जीवन मिला है सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरे के कल्याण करने के लिए भी, इसलिए प्रवचन का आयोजन किया गया है। जो बहुत बड़े महान पुरुष को बुलाया जाए और अपने घर से लेकर के ग्रामीण तक सबको अच्छा से अच्छा संदेश मिले, जो और आपस में प्रेम, घर में प्रेम और भाईचारा और स्वस्थ रहे, कैसे हम जिए, कैसे खाएं, रोजगार कैसे चलावें, उस सारा सिस्टम ही बताते हैं चलाने का। इनके पास में ये तरीका है प्रवचन करने का, इनका प्रवचन के अनुसार अगर आदमी चल गया तो जीवन धन्य हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा, नाना प्रकार की कठिनाई सारा दूर हो जाएगा। कई आदमी ने इनका कठिनाई दूर होते हुए देखा है और सुने हैं और सही बात है, पक्का गारंटी है। हर चीज बीमारी के बारे में बताते हैं, कैसे जिएंगे, कैसे भाई से रहेंगे, कैसे बेटा से रहेंगे, कैसे पत्नी के साथ संपर्क करेंगे, कैसे ग्रामीण समाज में रहेंगे, सारा चीज को लेकर के चलते हैं। इस तरह का प्रवचन हम अभी तक नहीं सुने हैं, हाँ पहला बार ऐसा प्रवचन सुन करके
बहुत मन खुश हो गया है और ग्रामीण को सोचते हैं बार बार ऐसा लावे और मेरे ग्रामीण जो है जो जो भी आदमी भटक रहे हैं उनको सही दिशा निर्देश मिले। यही होती है भक्ति में शक्ति। हाँ, यही भक्ति में शक्ति होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी मीडिया कर्मी बंधु का दिल से आभार स्वागत, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी प्रेस व्यवस्था देने में बहुत ही सकारात्मक सहयोग दिया है। मैं सिटी फैशन की तरफ से और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप लोग अपना प्यार यूँ ही बनाए रखें। धन्यवाद। और हमें भी, हमारे जो जनता देख रही है, आपने जो इतना प्रयास किया, यहाँ पे भक्त काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे, इसके लिए हम भी तहे दिल से आपसे शुक्रिया कहते हैं कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम आप निरंतर ऑर्गेनाइज करते रहे। हमारी ये प्रयास हमेशा है और हमेशा है कि अभी जो प्रोग्राम हो रहा है, अगला प्रोग्राम जो हो इससे बहुत भव्य हो, और हमें समाज का, आप लोगों का भरपूर प्यार मिल गया है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि समाज में इस तरह की सहयोग की भावना है और मुझे करने की ऊर्जा और एनर्जी इसी से मिलती है। आप सबों का प्यार देखकर मुझे लगता है कि नहीं, इस आयोजन को मैं अगली बार अब भव्यता से करूँगा और अच्छा करूँगा, और ये आयोजन बार बार होता रहेगा, एक से एक संत आते रहेंगे। भक्ति के शक्ति के एपिसोड में आज हम आए हैं सायपुर कमाल क्षेत्र में, जहाँ पे आप आज भव्य हजारों की संख्या में भक्त यहाँ आपको नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे भक्ति में जो लीन, जो मैं बात हमेशा करता हूँ कि भक्त जो लीन रहते हैं भक्ति में, आज यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हजारों की संख्या में महिलाएं, और यहाँ पे एक मेला लगा हुआ था तमाम वो, और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज किया गया था श्री सियाराम साहू जी ने, जो सिटी फैशन के संयोजक है, उनके द्वारा यहाँ पे एक योगदान दिया गया और यहाँ पे सुखद सत्संग के रूप में यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था प्रोग्राम, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ नज़र आई। 3 से 5 मार्च के बीच तक में यहाँ पे प्रोग्राम को रखा गया और यहाँ पे तमाम वो सत्संग, क्योंकि भक्त जो है सत्संग में लीन रहते हैं, और यहाँ पे भक्ति में शक्ति आपको देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ मैं कुमार सानू आप सभी का केवी स्टूडियो में स्वागत करता हूँ।